नमस्कार दोस्तों, आज है 24 जुलाई 2020 और मैं स्वागत करता हूँ आपका यूवाइन डेली करंट अफेयर्स में। आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी जो पहला कमेंट है उसमें भी लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स, जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना संक्रमण के चलते बंद पड़े विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की शैक्षणिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के को लेकर किसकी अध्यक्षता में यूजीसी की उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। ऑप्शन ए है प्रोफेसर के कस्तूरी रंगन, बी है डॉक्टर गोपाल कृष्ण मूर्ति, सी है प्रोफेसर आर सी कोहाड़ और डी है प्रोफेसर एस पी सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है प्रोफेसर आर सी कोहाड़। देखिए, हाल ही में कोरोना संक्रमण के चलते बंद पड़े विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की शैक्षिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए प्रोफेसर आर सी कोहाड़ की अध्यक्षता में यूजीसी की उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है और इस कमेटी ने विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट का सत्र नवंबर से तथा पोस्ट ग्रेजुएट का सत्र दिसंबर से शुरू किए जाने की सिफारिश की है। और हालांकि अंडर ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट के दूसरे और तीसरे वर्ष के छात्रों की पढ़ाई अगस्त से ही शुरू हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाते हुए साक तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर क्या किया अपना दावा ठोका है, और यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको बताना है कि किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए है बांग्लादेश, बी है मंगोलिया, सी है ताइवान और डी है भूटान। उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है भूटान। देखिए, अपनी विस्तारवादी नीति के चलते चीन इन दिनों छोटे से शांति प्रिय देश भूटान से भी उलझा हुआ है। भूटान की साक तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर अपना दावा ठोकते हुए चीन ने कहा है कि दोनों देशों की सीमा का निर्धारण करने के लिए वह जल्द ही पैकेज सॉल्यूशन पेश करेगा, और चीन के दावे पर भूटान ने भी कड़ा ऐतराज जताया है। और चीन ने हाल ही में हैरान करने वाला कदम उठाते हुए ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF के समक्ष साक तेंग सेंचुरी पर अपना दावा पेश किया था, और चीन ने सेंचुरी को आर्थिक सहायता देने के GEF के फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि उसकी संपत्ति को उसकी जानकारी के बगैर कैसे सहायता दी जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। जो है, हाल ही में यूरोपीय यूनियन या EU ने कोरोना वायरस रिकवरी फंड के लिए कितने अरब यूरो की धनराशि स्वीकृत की है। ऑप्शन ए है 50 अरब यूरो, बी है 80 अरब यूरो, सी है 150 अरब यूरो, डी है 180 अरब यूरो। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है 180 अरब यूरो। देखिए, 4 दिन और 4 रात चली चर्चा के बाद आखिरकार यूरोपीय यूनियन या फिर EU ने कोरोना वायरस रिकवरी फंड के लिए 180 अरब यूरो या फिर 153 लाख करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत कर दी है। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। जो है, हाल ही में कोरोना महामारी के कारण श्री बाबा अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने इस वर्ष वार्षिक अमरनाथ यात्रा को रद्द करने की घोषणा की है। आपको बताना है कि यह निर्णय किसकी अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद लिया गया है। ऑप्शन ए है अनिल बैजल, बी है GC मुर्मू, सी है भागीरथी प्रसाद और डी है दिलबाग सिंह। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है GC मुर्मू। देखिए, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण श्री बाबा अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने इस वर्ष वार्षिक अमरनाथ यात्रा को रद्द करने का ऐलान कर दिया है, और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो हैं GC मुर्मू की अध्यक्षता में हुई श्राइन बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया। परंतु क्या है कि तीर्थ यात्रा से जुड़े जो अनुष्ठान हैं वो समय से पूरे किए जाएंगे, और दशनामी अखाड़े से चलने वाली छड़ी मुबारक परंपरागत ढंग से रवाना होगी तथा श्रावण पूर्णिमा को पवित्र गुफा में प्रवेश करेगी। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। हाल ही में लालजी टंडन का निधन हो गया। आपको बताना है कि वह किस राज्य के वर्तमान राज्यपाल थे। ऑप्शन ए है गुजरात, बी है राजस्थान, सी है बिहार और डी है मध्य प्रदेश। उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है मध्य प्रदेश। देखिए, लालजी जो टंडन थे वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, और उनका लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया। और मध्य प्रदेश से पहले वह बिहार के भी राज्यपाल थे, और इसके अलावा वह लखनऊ लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुके थे। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। हाल ही में ICC के द्वारा जारी की गई टेस्ट मैच ऑलराउंडर की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा खिलाड़ी है। ऑप्शन ए है विराट कोहली, बी है बेन स्टोक्स, सी है जेसन होल्डर और डी है स्टीव स्मिथ। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है बेन स्टोक्स। देखिए, इंग्लैंड के स्टार क्रिकेटर बेन स्टोक्स ओल्ड ट्रैफर्ड में दूसरे टेस्ट में अपनी टीम की जीत के दौरान शानदार प्रदर्शन की बदौलत वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन होल्डर को पछाड़कर विश्व टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष ऑलराउंडर बन गए हैं, जबकि ICC की टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में भी करियर के सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं।
देखिए आईसीसी की ये टेस्ट रैंकिंग है जिसमें शीर्ष तीन जो टेस्ट बल्लेबाज हैं वो है, पहले नंबर पर हैं स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया से, और दूसरे पर हैं विराट कोहली भारत से, और तीसरे हैं बेन स्टोक्स इंग्लैंड से। और शीर्ष टेस्ट जो गेंदबाज हैं उनमें पहले हैं पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया से, दूसरे हैं नील वैगनर न्यूजीलैंड से, और तीसरे हैं जेसन होल्डर वेस्ट इंडीज से। ऐसे ही अगर तीन शीर्ष अंपायर जो ऑलराउंडर की देखी जाए तो वो हैं, पहले नंबर पर हैं बेन स्टोक्स इंग्लैंड से, दूसरे पर हैं जेसन होल्डर वेस्ट इंडीज़ से, और तीसरे पर हैं रविंद्र जडेजा भारत की ओर से। ये जो टॉप थ्री हैं वो आपको याद रखनी है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। जो है कोरोना महामारी के कारण आईसीसी ने वर्ष 2020 में होने वाले T20 विश्व कप क्रिकेट को स्थगित कर दिया है। आपको बताना है कि ये आयोजन कहाँ पर प्रस्तावित था। ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, बी है भारत, सी ऑस्ट्रेलिया, और डी है दक्षिण अफ्रीका। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है ऑस्ट्रेलिया। देखिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप क्रिकेट को कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दिया है, और अब इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो वर्ष 2021 में होगा। चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। हाल ही में अमेरिका ने कौन सी टेलीकॉम कंपनी को क्लीन टेलीकॉम कंपनियों की सूची में शामिल किया है? कौन सी क्लीन टेलीकॉम कंपनियों की सूची में शामिल किया है? ऑप्शन ए है वोडाफोन, बी है रिलायंस जियो, सी है एयरटेल, और डी है उपरोक्त सभी। उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है रिलायंस जियो। देखिए हाल ही में अमेरिका ने रिलायंस जियो को क्लीन टेलीकॉम कंपनियों की सूची में शामिल किया है, और अमेरिका का कहना है कि इस सूची में शामिल कंपनियां जो हैं वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के लिए जासूसी करने वाली हुआवे जैसी कंपनियों से कारोबार नहीं कर रही हैं। और अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्लीन नेटवर्क क्या है, एक प्रयास है जिसमें समान विचारधारा वाले देशों व वा कंपनियों के गठजोड़ से संवेदनशील टेलीकम्युनिकेशन व क्लाउड क्लाउड व अन्य डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नवे प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रमुख उद्योगपति राहुल बजाज ने बजाज फाइनेंस के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। आपको बताना है कि इनकी जगह पर कौन इस पद पर नियुक्त होगा। ऑप्शन ए है संजीव बजाज, बी है नलिन बजाज, सी है कविता खेत्रपाल, और डी है सुधीर अग्रवाल। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है संजीव बजाज। देखिए हाल ही में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC की निगरानी के लिए देश में ही निर्मित कौन से शक्तिशाली ड्रोन को भारतीय सेना को सौंपा गया है? ऑप्शन ए है बजरंग, बी है भारत, सी है काल, और डी है अचूक। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है भारत। देखिए पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास विभिन्न इलाकों में अतिक्रमण की कोशिश के बाद चीन पर रहा सहा भरोसा भी खत्म हो चुका है, और यही कारण है कि अब भारत चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी या PLA की हर गतिविधि पर कड़ी नज़र रखने के सभी साधनों को दुरुस्त कर रहा है, और इसी क्रम में देश में ही विकसित बेहद ताकतवर ड्रोन सेना को सौंपे जा रहे हैं। और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान जो है DRDO, DRDO कहते हैं, ने हाल ही में बेहद ताकतवर ड्रोन भारत का निर्माण किया है। इसका नाम रखा गया है भारत। इस बेहद ताकतवर ड्रोन जो है भारत, उसको रडार की पकड़ में भी ला पाना असंभव है, और भारत ड्रोन को DRDO के चंडीगढ़ स्थित प्रयोगशाला में विकसित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर CS शिवाद्री का निधन हो गया। आपको बताना है कि इन्हें पद्म भूषण सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए है वर्ष 2001, बी है वर्ष 2009, सी है वर्ष 2012, और डी है वर्ष 2014। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है वर्ष 2009। देखिए हाल ही में प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर CS शेषाद्री का निधन हो गया था। इनका प्रमुख योगदान जो था वो बीज गणितीय ज्यामिति में रहा था, और इन्हें 2009 में पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया था। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में उड़ीसा में चल रही मधुबाबू पेंशन योजना के तहत किसे शामिल करने के बाद यह योजना चर्चा में है? ऑप्शन ए है विकलांगों को, बी है विधवाओं को, सी है युवाओं को, और डी है ट्रांसजेंडरों को। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है ट्रांसजेंडरों को। देखिए उड़ीसा सरकार ने मधुबाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल किया है, और इस पेंशन का उद्देश्य राज्य में निराश्रितों, बुजुर्गों तथा अलग अलग व्यक्तियों और विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। और मधुबाबू पेंशन योजना जो है MBPY राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना के तहत लगभग 5,000 ट्रांसजेंडर अपनी उम्र के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के तहत पेंशन के रूप में 500 रुपये, 700 रुपये और 900 रुपये प्रति माह लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर। जो है राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 6 अगस्त 1950, बी है 6 अगस्त 1952,
सी है 15 अगस्त 1955 और डी है 26 जनवरी 1950। इस प्रश्न का उत्तर देना है आपको हमें कमेंट के माध्यम से। तो चलिए आज के अंक में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने जो सोशल ग्रुप्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, लिंक्डइन हो या फिर टेलीग्राम हो। और उसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।